हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज आप लव किचन में देखने वाले हो सफ़ेद कौड़ा यानी कि एश गोट, पेठा और सफ़ेद कद्दू के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये देखने से ऊपर से थोड़ा सफ़ेद लगते हैं लेकिन धुल देने से ये हरे हो जाते हैं, क्योंकि ये हरा ही है। और इसमें आप देख रहे हो हल्का सा काटा काटा निकले रहते, एकदम बारीक और पतला पतला, और इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं चुभते हैं लेकिन कभी कभार हाथों में हल्का सा चुभ भी जाते हैं। और इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, बहुत लोग बहुत नाम से जाने जाते हैं। आपके वहाँ किस नाम से जाने जाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे धुल लेंगे तो मैंने एक स्क्रबर से, या फिर आप कोई भी कपड़ा हो, बोरा हो, उससे एक बार रगड़ लीजिए तो इसका काटा निकल जाते हैं, हाथ में चुभता नहीं है। अभी भी देखेंगे एक दो है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम छील के फेंक देंगे तो वो निकल जाएंगे। और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे धुल के क्लीन कर लिया है। अब इसे काट लेना है, तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और इसके अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल लौकी जैसा है, और खाने में भी टेस्ट इसका लौकी जैसा है, और बल्कि लौकी से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमें इस छिलका को निकाल लेना है। मैं एक पीलर से छिलका सारा निकाल ले रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा छिलका निकाल के मैंने एक बार धुल लिया है। अब काट लेना है, तो यहाँ पे मैंने बीज में से काट लिया है और पतला पतला करके यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ले रही हूँ। आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके से काट सकते हो। तो सारा यहाँ पे जितना भी सफ़ेद कौड़ा है इसे इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और साथ में मैंने ले लिया है मीडियम साइज दो आलू, और एक ही साइज में मैंने काट लिया है दोनों चीज़ों को। चलिए अब शुरू करते हैं बनाने को। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, कोई भी तेल डाल सकते हो। थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून तक। अब इसमें डाल दे रही हूँ मूँगफली, सेम दाना भी जिसे कहते हैं, और इसे हमें थोड़ा भून लेना है, तल लेना है इस मूँगफली को। तो यहाँ पे अभी हो चुके हैं, मैं निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा तेल इसमें और डाल दिया है। अब इसमें डाल दे रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा, और जीरा को अच्छी तरीके से ब्राउन कलर आने देते हैं। दो मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से मैंने काट लिया है। तो मिक्स्ड करने के बाद दो मिनट यहाँ पे हो जाने के बाद अब मैं डाल दे रही हूँ आलू, और आलू को भी मिक्स्ड कर लेंगे तो जिससे प्याज और आलू दोनों एक साथ में फ्राई होंगे। स्वाद अनुसार नमक हाफ टेबल स्पून मैंने दे दिया है, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर भी दे दिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स्ड करते हुए मीडियम टू स्लो फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राई हो चुके हैं, और आलू देखिए आलू भी पक चुके हैं, और साथ में ही प्याज भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनहरा कलर आ चुके हैं। इसमें डाल दे रही हूँ मैं जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर, और दो तीखा स्वाद अनुसार मैंने हरा मिर्चा चॉप करके डाल दिया है। अब इसके साथ सफ़ेद कौड़ा जो हमने काट लिया था वो भी डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब सफ़ेद कौड़ा में से भी बिल्कुल लौकी जैसा पानी छोड़ते हैं, तो पानी को पहले सुखा लेना है। यहाँ पे अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी सूख चुके हैं, अभी ढक देना है। तो ढक देने के बाद अब इसमें स्लो कर देंगे और भाप से हमें कुक कर लेना है, ताकि ये एकदम एक सुनहरा सा एक फ्लेवर आए। तो यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और मैंने बीच में एक बार चला दिया था तो बिल्कुल ही लो फ्लेम में यहाँ पे कुक हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ कि सफ़ेद कौड़ा बिल्कुल पक चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कम मसाले में बहुत ही हेल्दी सब्जी बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई किया हुआ मूँगफली भी डाल दिया है। आप मूँगफली की जगह उबले हुए चना भी डाल सकते हो, आपको जो पसंद है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो एक साथ में मिक्स करके फिर से ढक देंगे और लगभग 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि मूँगफली भी अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्लेवर पहुंच जाए। 3 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल सब्जी बन के एकदम तैयार है। चलिए अब मैं ऑफ कर दे रही हूँ फ्लेम को। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सर्व कर दे रही हूँ गर्मा गर्म, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जल्दी बनने वाले कम मसाले की सफ़ेद कौड़ा की सब्जी। और फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर खाइए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आज का सिंपल सा सफ़ेद कौड़ा की सब्ज़ी आपको कैसा लगा है
मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि इसी तरीके से यूनिक और टेस्टी रेसिपी आप देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।